हेलो सर, हेलो आप की कह रहे हैं। हेलो हेलो सुनाई दे रही है? यस सर। ओके ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? तो फुल सर इंडिसेस। नो सर इंडी नहीं सर, आप बोले थे कि आज आप वो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। यस सर। इंडिसेस नहीं हुआ था सर, वो प्रूफ नहीं हुआ था, मुझे डाउट है उसमें। तो पूछ लो, एक्सपोनेंट्स था वो, इंडिसेस नहीं था। अरे एक्सपोनेंट को इंडिसेस। अच्छा कौन सा चैप्टर चल रहा था आप लोग का? नाइन्थ के बच्चे हो ना आप लोग? हाँ सर, इंडिसेस चल रहा था सर, मतलब एक्सपोनेंट। पर वो हम लोग का बुक का नहीं था। हाँ पॉलीनोमियल हम लोग स्टार्ट किए थे ना नाइन्थ में। नहीं सर, हम लोग नाइन्थ आईसीएस सर, हम लोग आईसीएसई बैच। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो क्या स्टार्ट किए हुए थे बोलिए सर? इंडिसेस, इंटीजर्स सर, इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर सर, इंडिसेस, इंडिसेस एंड रैशनल इरेशनल। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इससे पहले आप लोगों का क्लास हुआ है ना? मेरा नहीं सर, आपका नहीं हुआ था। अच्छा ये फर्स्ट क्लास है आप लोगों का? यस सर। अच्छा तो इंटीजर पढ़ रहे थे, रियल कौन सा चैप्टर का नाम बताओ तो बस। चलो सर इंडिसेस, आई एन डी आई सी सर, चैप्टर 9। अच्छा ओके सर, चैप्टर 1 सर, चैप्टर 8। यस आप लोगों का चल रहा था, ठीक है। इंटीजर में कहां तक हो गया है सर? इंटीजर नहीं सर, इंडिसेस सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, आप पूरी बात सुन लीजिए। हम लोग जब फिजिकली क्लासरूम जा रहे थे तो रैशनल इरेशनल हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था, वो हो रहा था।
वो कंप्लीट नहीं हुआ था सर, प्रूविंग बताए थे उसके बाद फर्दर बताने वाले थे, बट नहीं सर चैप्टर वन कंप्लीट हो गया था सर, कई कुछ कुछ बचा हुआ था चैप्टर। सुन सुन सुन, चैप्टर वन कौन सा है? नहीं सर चैप्टर वन कंप्लीट नहीं हुआ था, रैशनल नंबर सर क्या कंप्लीट नहीं हुआ था बोलो तो सर को। चलो रैशनल नंबर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है यहाँ पे बताओ कौन बच्चा जवाब दे रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि रैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर पूरा हो गया था बुक का पेज में से भी, इन लोग देखेगा तो कुछ नहीं बचा है। बचा है बचा है, नंबर हो गया है। हाँ सर, हाँ सर, ये हाँ, सर पूरा हो गया है सब। एक सेकंड सर, प्रूविंग जो है ना, प्रूविंग में रूट टू, सर प्रूविंग में रूट टू को कैसे इरेशनल प्रूव करना है, रूट थ्री को कैसे करना है, ये हो गया है। बट जैसे कोई नंबर है रूट फाइव माइनस रूट थ्री, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, इस तरह को कैसे प्रूव करना है ये नहीं हुआ। अच्छा ये नहीं हुआ, बुक में दिया था, दिया है, दिया है। अच्छा अच्छा, तो चलो बच्चा लोग तो वो हम लोग जैसे कि जैसे कि रूट थ्री इधर क्या है, रूट थ्री क्या है, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर, उसको कंसीडर करना पड़ेगा रेशनल नंबर। ये प्रूव कर लेते हो रूट थ्री को? हाँ सर प्रूव कर लेते हैं। यस सर, रूट थ्री को प्रूव कर लेते हैं। अच्छा चलो, तो हम क्या बात करेंगे अब, आपको क्या देखना है कि रूट सेवन तो वॉइस बहुत लो आ रहा है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा लो आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो देखो रेशनल के नंबर के बाद तुम लोगों का चैप्टर अगला कौन सा है ये बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट नो सर, विद फार्मूला सर। कंपाउंड इंटरेस्ट सो फर्स्ट इज विदाउट फार्मूला देन विद फार्मूला। अरे उत्सव, योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। यस वी हैव फार्मूला फ्रॉम मेड क्लास। सुन बराई करना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट विद फार्मूला ना? यस सर, दोनों है, विद फार्मूला भी है विदाउट फार्मूला भी है, बट पहले विदाउट फार्मूला है फिर विद फार्मूला। अच्छा अच्छा, पहले विदाउट फार्मूला विद फार्मूला, ठीक है। तो चलो बच्चा हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम लोग पढ़ ले क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला नहीं। मैं दोनों मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं दोनों मेथड पढ़ाऊंगा, खुश खुश कोई दिक्कत नहीं ना। तो मुझे देखो फाइनली रेशनल नंबर में कहां तक है, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा कहां तक हो गया, जो छूटा हुआ पोर्शन है मैं आपको क्लास में रिकवर करवा दूंगा, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सारे बच्चे को समझ में आए, क्या बोलो? ठीक है सर, ठीक है सर, यस सर। चलो चलो, ये ऐसे बोलो ना तो आपस में ही लड़ाई कर रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआई, ठीक है। यस सिंपल इंटरेस्ट आता है निकालने आप लोगों को? हाँ सर, पी इंटू आर इंटू पी बाय 100। हाँ पहले हम लोग देखे, ये देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ये याद रखोगे सी आई, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई बोलते हैं, ठीक है बच्चा, क्या बोलते हैं हम लोग, सी आई बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो सी आई है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप देखो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग एस आई बोलते हैं, ये क्या होता है, P into T into R by 100। हाँ तो ये होता है P into T R by क्या होता है बच्चा लोग, 100। 100। अब P क्या होता है मेरा बोलो तो, P principal। principal 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 amount amount का बच्चा लोग P क्या होता है, time period। तो मतलब जितना इन्वेस्ट करेंगे वही प्रिंसिपल है। और आर क्या होता है, रेट सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बच्चा लोग। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट से ही फाइनली हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे, ठीक है। अगर बोलेगा कोई क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आर एस 1200 रुपीज फॉर
for 3 years. ठीक है, at the rate of, at the rate of 5%. तो कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट बच्चा, फाइंड आउट कर दोगे ना, बोलो सर. 180. यस सर. कितना आ रहा है, सारे बच्चे फाइंड आउट करके बताओ तो. 180 रुपीस. हाँ, 180 रुपीस. 180 रुपीस. तो ये देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना, इनटू आर इनटू टी बाय 100. टी कितना है बच्चा, 1200 इनटू 5 इनटू 3 बाय 100. आप देखो ईयर कितना है तुम्हारा, 3. हाँ 3 है ना, तो क्या कर दिया, एट द रेट ऑफ 5%. ठीक है, आप देखो फाइनली अगर कोई मंथली लेता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या ईयरली 3 इयर्स का निकालोगे ना, देखो तो ईयर टाइम कितना होगा बच्चा लोग बोलो, 3 इयर्स. टाइम कितना लिए हो, 3 इयर्स. हाँ तो 3 इयर्स ना, और रेट क्या है, 5/100. तो ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनली बताओ कितना आया, 180 आ रहा है ना. तो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना रुपीज. ठीक है, जब इंटरेस्ट क्या हो, ईयरली हो. ठीक है, रेट क्या हो, ईयरली हो, इंटरेस्ट रेट ईयरली 5%. अगर ईयरली हो, क्या हो बच्चा, ईयरली अगर 5% हो तब हम लोग क्या बोलते हैं, ये होगा. ठीक है, अगर कोई ये होता है ना कि मंथली भी लेता है, ठीक है, तो मंथली अगर होता तो क्या, फाइनली आपको देखो ये बात, अगर मैं मंथली होता, ठीक है, अगर ये यहाँ पर मंथली रहता 5% रेट मंथली, तब क्या करते बोलो तो बच्चा, 3 × 12 लेते. हाँ, अगर मंथली, देखो यहाँ पे सारे बच्चे देखो, अगर ईयरली इंटरेस्ट है मतलब 5% आपको ईयरली, देखो बैंक क्या करता है, बैंक जो लोन देता है वो ईयरली इंटरेस्ट रहता है. ठीक है, और वो क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है. क्या करता है बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना सिखाऊंगा. चलो ये समझ में आ गया, अगर यहाँ पे ईयरली के जगह मंथली रहता तो इसमें कितना मंथ लेते बोलो, 3 को हम क्या कर देते, 12 से मल्टीप्लाई कर देते फाइनली, समझा. ओके, और यहाँ पे फाइनली 12 से मल्टीप्लाई हो जाता, समझा कि नहीं बच्चा लोग. यस सर. आप बोलो, अब यही अगर आपको बोलेगा कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी का बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सर पहले एक ईयर का निकालना पड़ता है, फिर दूसरा, फिर चलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा ना बच्चा. तो क्या करना है, मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे मैं अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर. ओके, रुकना, मैं बता रहा हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद समझ. ये यहाँ तक क्लियर है ना बच्चा लोग, सिंपल इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना. नहीं सर. अच्छा ठीक है, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, गुड. टैलेंटेड का क्या है सर, क्लास 7 से कर रहे हैं यही वाला. हाँ यही वाला कर रहे हो क्या, 7? हाँ सर, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. कल लोग 7 से कंपाउंड इंटरेस्ट बेस फॉर्मूला. हाँ सर, क्वेश्चन दूंगा तब पता चलेगा कि कौन कितना वर्क किया है. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, चलो ऊपर भेज दिया इसको. ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई बोला बच्चा. क्या बोला तुमको, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कैसे फाइंड आउट करोगे सर, पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे. हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, जो बैंक जो लोन देता है वो क्या, देखो बैंक से अगर लोन लोगे तो बोलेगा क्या, बैंक तो सस्ता इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन बच्चा बैंक क्या करता है, ऑलवेज क्या लेता है, याद है ना, क्या लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली लेता है. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये लिखो,
देखो मैं फॉर्मूला से भी बताऊंगा और विदाउट फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, देखो ए क्या होता है, ए होता है तुम्हारा क्या होता है बोलो, प्रिंसिपल प्लस ए किसको बोलते हैं, ए होता है तुम्हारा एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखो तो उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करना सिखाएंगे। प्लस होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ए क्या होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखो ए इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू डी पावर एन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वन बाय वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू डी पावर वन इंटू पी, ठीक है, इंटू पी। ये बात आप लोग लिख लो, दिस इज ए, ए निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, पी इंटू, ठीक है, ओके। बच्चा लोग बोलो यहां तक समझने में दिक्कत, वो डिलीट हो गया, रुक जा सॉरी। यहां पे देखो एक फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो एक बात ये फाइनली ए फॉर्मूला ए इक्वल टू होता है पी टाइम्स ऑफ वन बाय आर बाय हंड्रेड, देखो ये फॉर्मूला और उसका पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सबको हम डिफाइन करेंगे, बच्चा पी क्या है, वेयर वेयर बताओ तो जो पढ़े हो, वेयर पी इज प्रिंसिपल अमाउंट, क्या है बच्चा प्रिंसिपल अमाउंट है। हाँ सर प्रिंसिपल है, देखो बहुत आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हम लोग क्या करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। सब रेडी होना, तैयार होना सॉल्व करने के लिए। यस सर, देखो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, चाहे वो फॉर्मूला तो देखो देखो हाउ इट इज डिराइव्ड, क्या है बोल दो, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चा, उसके बाद बोलो इसके बाद एन क्या है सर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन द टाइम पीरियड, ईयर ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर कितने इयर्स के लिए ले रहे हो, ठीक है। और ए क्या है, ए इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आप देख मुझे क्या निकालना है, सी आई निकालना है, ओनली सी आई निकालना है। ये सारे बच्चे यहां तक लिख लिए हैं, यस सर बोलो, दो मिनट, हाँ यहाँ तक लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, उसी के बाद यहीं से हम लोग सी आई निकालेंगे बच्चा लोग। सर हाउ इज इट डिराइव्ड, ओके ओके जस्ट वेट, सो व्हाट यू हैव रिटन, ए इक्वल्स टू A equals to P into 1 plus R by 100, okay? Sir, वो वाला नहीं, last में जो A equals to है ना, वो वाला. A equals sir, to. Sir, end A है. Equals to P plus P I, compound interest. रुक जा, ये कैसे आया ये मैं बताऊंगा finally, ठीक है? सारे बच्चे लिख लिए, यस हाँ सर लिख लिए, दस मिनट हाँ देखो, तो फाइनली ये लिख लिए, तो अब यहाँ पे देखो ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी प्लस सी आई लिख सकता हूँ, बोलो पी प्लस सी आई लिख सकता हूँ, पी प्लस सी आई नहीं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे देखो इक्वल टू, ये देखो लिख सकता हूँ कि नहीं, अब यहाँ पे मैं ये पोर्शन को डिलीट करना चाहूंगा बच्चा लोग, सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, क्या बोले,
हाँ बोलिए सर, एक्चुअली बोल रहे थे कि वॉइस क्रैक हो रहा है। नो सर, वॉइस तो ओके है पर थोड़ा लो है, थोड़ा हाई रहता तो अच्छा। अच्छा रुक जा बच्चा, रुक जा, मैं वो भी कोशिश करता हूँ तुम लोगों के लिए। सर मेरा तो क्लियर आ रहा है। आपका क्लियर आ रहा है? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर हम, मेरा भी सब ठीक है। देखो देखो मोबाइल का सब ठीक है, ऑलवेज इट इज क्लियर, एक बार मोबाइल का साउंड चेक कर दो। सर मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ मोबाइल, और साउंड फुल है। अच्छा तो आवाज क्लियर आ रही है ना? सर आवाज क्लियर है पर थोड़ा लो है। लो है? अरे एक मिनट सर, लो मैं कोशिश करता हूँ। हेडफोन्स लगाने बोलिए। रुक जाओ, जो बच्चे हेडफोन लगाया हुआ हूँ मैं। हेडफोन? हाँ हेडफोन है बच्चा लोग, हेडफोन लगा लो ना। यस सर। देखो बच्चा लोग अब यहाँ पे अब क्लियर जा रही है ना आवाज? हेडफोन लगा के बोल रहे हैं। देख तो तू मतलब सारे का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा खुद का टेक्निकल इशू होगा, देख ले बच्चा। हाँ सर उसका ही होगा। अगर यहाँ से सेंटर से कोई प्रॉब्लम रहता ना तो आप लोगों को सभी को कम आवाज जाता। यस सर आपका नेटवर्क भी अच्छा। आगे बताइए क्या हुआ? क्लियर है सर, अभी मुझे आपका आवाज क्लियर आ रहा है। हाँ ठीक है। चलो बच्चा चलो, तो वो यहां तक लिख लिया है ना? अब देखो एक मिनट रुक जाएगा, रुक जाएगा। एक मिनट जस्ट वेट बच्चा लोग, ये कलर तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, व्हाइट टाइप का। क्या व्हाइट ठीक लग रहा है? नहीं सर पहले जो था वही ठीक। सर जो पहले था वही ठीक था? हाँ सर एक मिनट वही मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सिस्टम नया है ठीक है, तो इसका आइडिया मुझे ज्यादा नहीं है। वाइट से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा तो हम लोग वाइट का ही यूज करते हैं। देखो तो आपका क्या कुछ अलग टाइप का आ रहा है? जस्ट वेट, आप पेंसिल पे क्लिक कीजिए, शायद आप ब्रश पे क्लिक किए हो। हाँ आ गया।
चलो यही है ना? यस सर। यस सर। हाँ तो देखो हम क्या देते ड्राइव किए थे इक्वल टू पी प्लस आई है तो ये ए क्या है तुम्हारा ए इक्वल टू पी प्लस सी आई। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ सर आप सच में हो रहा है। सकता हूँ ठीक है तो ये होगा वन प्लस हंड्रेड होगा बच्चा लो सर आपका वॉइस क्रैक कर रहा है। यस सर सच में क्रैक कर रहा है। सर आपका वॉइस क्रैक कर रहा है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को वॉइस? हाँ सर दिखाई दे रहा है लेकिन वॉइस क्रैक कर रहा है। तो आप क्लियर है ना? नहीं सर नहीं सर। तो देखो फाइनली देखो इधर रखो सी आई को इधर रखो ये पी को क्या कर दो प्लस आर बाय हंड्रेड का पावर क्या होगा बच्चा एन माइनस यहाँ देखो सर आपका आवाज नहीं आ रहा। बोलो सर आपका आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ सर सर आपका साउंड क्रैक कर रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है बहुत क्रैक हो रहा है। यस सर ओ आवाज जस्ट दिखाई सर कुछ सुनाई नहीं दिया आप क्या बोले? एक मिनट जस्ट वेट
सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर नाउ ओके ओके अब ऑडिबल है ना? नेट का प्रॉब्लम था। यस सर नेट का प्रॉब्लम है। देखो देखो यहाँ तक समझ में आया? बोलो सारे बच्चे। देखोगे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू, ये मुझे मालूम है a इक्वल्स टू p, याद रखना a इक्वल्स टू p प्लस वन प्लस आर का पावर n, ये मैं बताया। अब a में बताया a क्या है, a इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो p प्लस ci यहाँ पे मिला। हाँ सर थोड़ा लेट से आ रहा है क्या बच्चा? नहीं सर नहीं सर नहीं सर सारा। हाँ सर एक है सायन माझी, नहीं आया वो, वही नाम है का? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे बोलो p प्लस सी आई है ना, p प्लस सी आई। अब यहाँ पे p प्लस आर बाई वन, ये हंड्रेड का पावर क्या है n रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, सी आई चाहिए बच्चा, सी आई चाहिए ना। तो सी आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ci equal to क्या होगा, p 1 plus r by 100 minus p। देखो और यहां से मैं क्या कॉमन ले लिया, p कॉमन लिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, याद रख ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बच्चा लो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सबको मालूम हो गया, याद हो गया ci equal to p। हाँ सर हाँ सर। 1 plus r by 100 का पावर n minus 1, ठीक है ये याद है, सारे को याद है। देखो तो अब हम बात करें कि सी आई हम लोग डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला में थोड़ा प्रॉब्लम कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, समझा? बोलो सी आई हम डायरेक्टली नहीं, हम पहले क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। और ए निकाल लेंगे तो मैं बोल सकता हूँ सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। बोलो बोलो बोल सकता हूँ ना? यस सर यस सर। तो ये बात याद रखना बच्चा लोग, ये बात याद रखना, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। ठीक है सारे बच्चे को कंफर्म मालूम हो गया ना? देखो ऑडिबल है ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरे साथ बोल दो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सभी बच्चे बोलो तो मेरे साथ। माइनस वन ठीक है सबको हम मालूम हुआ। अब देखो अब हम बात करेंगे, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है मैं बताऊंगा। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं फाइनली, अब वहां पे बताऊंगा क्या, अगर मान लो कि हाँ इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को क्या बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है यहां तक सारे बच्चे लिख लो, तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो। सर हो गया सर हो गया है ना? हो गया। चलिए हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि वो लास्ट लाइन में माइनस वन क्यों लिख रहे हम लोग, वो माइनस पी वन हो गया क्या? माइनस वन देखो ना, यहाँ से अगर मैं पी कॉमन ले लूंगा, यहाँ से पी कॉमन ले लूंगा, तो पी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये बच्चा क्या, 1 प्लस r by 100 बचा बच्चा, और उसका पावर क्या n, अब p कॉमन ले लिया तब माइनस वन होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ क्या दिक्कत है? नहीं सर नहीं। ओके बोल सर, अपन लास्ट में फैक्टराइजेशन हो रहा है, मतलब p का जो p कॉमन ले। हाँ लास्ट का क्या हो रहा है सर, लास्ट में पी को ये टर्म को हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, लास्ट में फैक्टराइजेशन हो रहा है, जो पी कॉमन ले रहे हैं, फिर 1 प्लस r / 100 टू द पावर n माइनस 1। नहीं देखो ये पी यहां था ना, इस साइड था ना, मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो इक्वल्स टू के इस साइड रहेगा, अगर ये प्लस है तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस पी आ गया। आप देख रहे हैं हम बच्चा इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, तो पी हम फाइनली क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। ठीक है तो p कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस r / 100 टू द पावर क्या n आएगा माइनस 1। बहुत सिंपल सी बात है समझना, ठीक है। असल में हम लोग ये चीज ना फैक्टराइजेशन में पढ़े थे, इसलिए बोल रहे हैं कि फैक्टराइज करना। नहीं नहीं यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा है ना। हाँ हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ये चीज हम लोग पढ़े उस चैप्टर में। हाँ हाँ कॉमन ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहाँ से आया ये पता चला बच्चा लोग? हाँ सर पता चला।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? लिखो। यस सर। हाँ चलिए, तो आपको बोलना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? लिखो फाइंड दी सीआई ऑफ 2000 रुपीज। सर वेट फॉर 2 years, at the rate of 5% ईयरली दिया हुआ है बच्चा लोग, ठीक है? तो देखो ईयरली मैं सिंपल इंटरेस्ट से भी, देखो विदाउट फॉर्मूला से भी निकालना सिखाऊंगा और विथ फॉर्मूला से भी बच्चा लोग क्या निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? तो पहले आप लोग फॉर्मूला में कैसे पुट करते हैं ये कर लोगे? बोलो। हाँ सर कर लेंगे, बना रहे हैं। बना रहे हो, बनाइए। तो किस सबका आंसर सही आ रहा है मैं देख रहा हूँ। हाँ सर। सर 201 आया। क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। सर 205 सॉरी 205 आया कंपाउंड इंटरेस्ट। और सारे बच्चे बताओ तो। सर 2405। क्या आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो? सर 2304। सर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 205 फिर माइनस करने के बाद 205। सर सीआई 205 आएगा। फाइनल आंसर बताओ ना मुझे आप लोग। 205 रुपीज। 205 आ रहा है क्या बच्चा लोग? फाइनल आंसर बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट 205। यस सर। सारे बच्चों का आ रहा है 205। सर मैं तो कब का बोल दिया। हाँ हाँ आप बोल दियो, टेंशन मत लो, मैं समझ रहा हूँ आपको, पहले समझ गया। देखो बच्चा, तो देखो जैसे कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, ये फॉर्मूला इधर में मैं फॉर्मूला से करता हूँ, सारे बच्चे देखोगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे देखो सी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो पहले तो ए माइनस पी होता है, ये मालूम है, तो ए का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। ए का तो ए होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100, ठीक है? R/100। तो देखो बच्चा इसमें पी क्या है, 2000 है ना, 1 + R कितना है बोलो तो 5/100, और उसका पावर क्या है 2 years है, ठीक है? 2 years है, तो R देखो ये कैंसिल आउट होगा कितना 20, ओके? आप देखो ये 2000 और ये क्या हो जाएगा 21/20 का पावर क्या है स्क्वायर है फॉर 2 years, दो टाइम्स होगा, तो देखो 20। आप इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, जीरो से जीरो सर, वो दो तो जीरो काट देंगे, फिर 2 से 20 10 टाइम्स कटेगा और फिर से 5 टाइम्स होगा। हाँ 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 देखो ये 2 10 टाइम्स, ये फाइनली ये 5 होगा, तो 20 देखो 21 × 21 कितना आया बोलो, और उसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से देखो तो 21 × 21 बच्चा लोग 21 और तो ये आया,
ये आया वन, उसके बाद क्या आया, ये देखो वन, और ये फाइनली क्या है टू टू फोर ना, फोर फोर। अब इसको फाइव से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चा लोग बोलो तो? टू थ्री जीरो फाइव, ये फाइव हुआ, ये जीरो और टू टू, ठीक है। अब देखो ये आया तुम्हारा क्या, ए का वैल्यू आया, क्या आया ए, तुमको क्या मिला बच्चा लोग, यहाँ से तुमको ए मिला 2205, ठीक है 205। तो सारे बच्चे बोलो सीआई कैसे निकालेंगे, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ए सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ हाँ, तो ये देखो ये कितना है, ये टोटल अमाउंट होता है, क्या होता है टोटल अमाउंट। फाइनली देखो ये क्या आया 2205 माइनस 2000, ठीक है। तो फाइनली इंटरेस्ट कितना आया 2000, ये कितना आया बच्चा लोग बोल दे, बोल दे सर 2205 माइनस 2000 इक्वल्स टू 205। हाँ हाँ, इक्वल्स टू 205। तो फाइनली देखो ये 205 होगा ना, 205 इज करेक्ट, ठीक है। आप कोई बोलेगा सर ये तो फॉर्मूला पे हो गया, और बिना फॉर्मूला से हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला से किसी को डाउट है, फॉर्मूला से बनाने में किसी को डाउट है बोलो, डाउट है नो नो ना, क्लियर ना बच्चा लोग, फॉर्मूला से किसी को डाउट नहीं है ना, हाँ या ना? नहीं सर नहीं है। अच्छा चलो अब हम बात करेंगे बच्चा लोग, क्या बात करेंगे, चलो यहाँ पे हम तो देखो अब हम बात करेंगे बच्चा लोग, क्या बात करेंगे, अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अब विदाउट फॉर्मूला से, देखो विदाउट फॉर्मूला से अब हम करते हैं, ठीक है। फाइनली क्या निकालते, तो विदाउट फॉर्मूला से भी इतना आना चाहिए बच्चा लोग, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आएगा उतना आएगा। तो कैसे लेके आएंगे फाइनली, देखो आप कैसे करेंगे, कहां पे देखो, देखो फाइंड कंपाउंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि पर ईयर का हम लोग निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालेंगे पर ईयर, और पर ईयर के बाद वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। देखो जैसे कि टू ईयर, क्या बोल रहा है बच्चा टू ईयर, तो एसआई, एसआई पहले निकालो, एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो 2000 इंटू, आप देखो टू ईयर्स का हम लोग नहीं निकालेंगे, वन ईयर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना देंगे बोलो तो, ईयर को कितना देंगे वन, ठीक है बच्चा, और ये क्या आया 5%, ठीक है 5, तो ये परसेंट को हटाओ 5/100 होगा ना, ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 100 रुपीज आया, बोला बोल बोल, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया बच्चा 100 रुपीज। आप देखो अब यहाँ से समझो, तो ये तो वन ईयर का 100 रुपीज हुआ ना बच्चा, बोलो वन ईयर का कितना हुआ 100 रुपीज। अब मेरा प्रिंसिपल कितना था, देखो ए बात नहीं कर, यहाँ पे देखो सभी बच्चे ये समझ जाओगे ना, तो फाइनली आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो अब क्या था, पहला प्रिंसिपल अमाउंट क्या था बोलो तो 2000, ठीक है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट वन ईयर का आया वो एड हो जाएगा, ठीक है, एड हो गया, ठीक है, क्या बोलो। तो ये पहला P1 जो था, प्रिंसिपल अमाउंट था पहला तुम्हारा 2000, क्या 2000 था ना। अब जो P2 होगा ये क्या हो जाएगा 2000 प्लस क्या 100, तो ये क्या हो जाएगा 200, ये 2100 हो जाएगा, बोलो यहां तक समझा? यस सर। अब ये 2100 आया, वो नेक्स्ट वाला SI के लिए, अब SI निकालोगे नेक्स्ट अगला ईयर का, तो ये क्या होगा P into R by 100 होता है, P into R T by 100 होता है बच्चा। तो ये देखो ये P का क्या होगा, P2 होगा। आप देखो अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 2000 नहीं होगा, कितना होगा 2100, ठीक है। R कितना है 1 और into T, तो T R कितना है, T तो 1 है, अब 5/100, ठीक है। तो ये देखो ये कैंसिल आउट, ये कितना मिला बच्चा लोग बोलो, तो 5,
और ये क्या 105 2205 क्या आया सर 105 105। तो देखो SI तुमको क्या मिला, SI कितना मिला फाइनली 105, ठीक है। ये पहला ईयर का मिला तुमको इतना, ठीक है, दूसरा ईयर का मिला इतना, तो टोटल टू इयर्स में कितना आ गया टोटल SI बोलो तो 105। देखो ये आ गया 205 आया कि नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर में तुमको कितना इंटरेस्ट देना होगा बैंक को देना होगा, अगर फर्स्ट ईयर का बात करोगे तो 100, ठीक है, और सेकंड ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में ऐड हो जाता है। देखो तो प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा, लिए थे 2000, ठीक है, लिए थे 2000, लेकिन अब क्या बना रहा है इसको प्रिंसिपल अमाउंट बना दिया, मतलब प्रत्येक पर ईयर, देखो अगर मैं यहाँ पे 3 इयर्स बोल देता, ठीक है, 3 इयर्स, ठीक है, तो एक बार और निकालता और उसके लिए ये इंटरेस्ट जो है इसमें ऐड हो जाता। समझ में आ रहा है क्या, हर एक ईयर क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट को क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है, क्या क्लियर है बच्चा बोलो। हाँ सर क्लियर है। यस सर। तो अब मैं अगर बोल दूं कि यहाँ पे 3 इयर इसी क्वेश्चन में बोल दूं 3 इयर तो कैसे निकालोगे, जल्दी जल्दी निकालो, तो 3 इयर्स के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। तो 360.25 रुपीस 3 साल का CI। 3 इयर्स का कितना आएगा बच्चा CI बोलो। 360.25 आ रहा है क्या, सभी का आ रहा है क्या बच्चा लोग। देखो तो अब इस मेथड से करोगे तो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है बोलो, पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो विदाउट, ये क्या है विदाउट फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, और ये क्या है विथ यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास क्या है बच्चा, क्या है आपके पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से शॉर्टकट में काम करो ना, क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन फर्स्ट टर्म का सिलेबस में विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ही है हम लोग का। अच्छा विदाउट, तो विदाउट पर हम लोग का विथ फॉर्मूला। अच्छा अरे दोनों में समझा दिया, फॉर्मूला पूछेगा तो ये लगाएगा जिसका सिलेबस में है, विदाउट फॉर्मूला है तो ये प्रोसेस करेगा। चलो विदाउट फॉर्मूला पे ही हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन लो, फाइंड द CI ऑफ 2000 रुपीज। देखो ये तुम्हारा 6000 ले लो, ठीक है 6000, चलो क्या है 6000 रुपीज फॉर कितना 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 3% एनुअली मतलब होता है ईयर। चलो सारे बच्चे फाइंड आउट करके बताओगे, अगर इसमें बोल देता कि हाफ ईयरली तब वो सारा फॉर्मूला में चेंजेज आ जाएगा, समझा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोल रहा है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बोलेगा, वो एनुअली बोलेगा ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या ए इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100 का पावर क्या एन,
ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा, ठीक है, तो उस समय क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। सर 556.362 रुपीस, 556.362 सर, मेरा भी सेम आंसर आया। हाँ सर यही है। और सारे बच्चों का आया क्या? हाँ सर यही है। विद फॉर्मूला या विदाउट फॉर्मूला निकाल रहे सर? विदाउट फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला निकाले हो क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, वो थोड़ा लेंदी पर गया होगा तब, पर भी तुम जल्दी बता दिए। देखो अगर ए विथ फॉर्मूला भी बोलता तो क्या करते, पी के जगह पे कितना अमाउंट है प्रिंसिपल 6000, वन प्लस आर कितना है बच्चा लोग, आर कितना है बोलो तो, आर यहाँ पे रेट कितना है 3%, सर वो ऑड था इसलिए प्रॉब्लम। हाँ 3/100, ठीक है, और उसका क्या होगा, उसका पावर एन है ना, एन है ना, अच्छा एन तो एन कितना 3 years है ना, देखो तो ऑड है तो प्रॉब्लम हो रहा है। देखो 6000, अब देखो ये आएगा 100 अच्छा ये देखो P मेरा क्या था 6000 था ना, बोलो R कितना, R कितना था 3% और T कितना था 3 years, ओके। अब यहाँ पे देखो ए निकालना है तो 6000 प्लस 1 प्लस आर बाय 100 तो देखो 3/100, ठीक है, और उसका पावर एन तो 3 हुआ। अब देखो हम क्या करेंगे, ये देखो आप तो ये क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने आता है ना बच्चा लोग, तो 6000 क्या होगा इनटू 100 3/100 इनटू 100 3/100 इनटू 100 3/100। हां हाँ सर, देखो इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, ठीक है, और 100 फिर 100 का एक एक जीरो काट देंगे तो फिर 103/10 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, अब ये क्या होगा, ये ये देखो 10 से कटेगा ना 5 और ये क्या होगा 3, ठीक है, और कटेगा क्या? नहीं सर नहीं कटेगा, नहीं सर ये थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, ठीक है, 103 नहीं सर
3 × 3/5/100 इसको सॉल्व कर सकते हो ना, बोलो। कैलकुलेशन लेंदी पड़ रहा है तो उसके लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए, समझा? आपको एग्जाम में छोटा कैलकुलेशन कर देगा, ठीक है? आप देख सकते हो ना कितना होगा, बोलो, हो जाएगा ना? यस सर। बताओ तो कितना आया, जो बच्चा निकाला है वो बताओ तो कितना आया तुम लोगों का? सर 556.362 ठीक है। 2 पॉइंट या 362 जो लिखा है। सर पर ये तो अमाउंट है, इसमें से वो प्रिंसिपल माइनस करेंगे अभी। अच्छा नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। नहीं ये सर अमाउंट निकाले। हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये तुम्हारा ए आएगा, यहाँ से ए आएगा, ठीक है? ये ए आएगा, ठीक है? और एक ए लाने के बाद क्या करोगे? अच्छा ये कितना आ रहा है? 655 सर, सी आई तो 556.362 है सर। अमाउंट हम बोल रहे थे आएगा 6556.362 और 6000 से माइनस करने के बाद आएगा 556.362। हाँ सर यही। सारे बच्चों को आ गया समझ में? आप देखो अब मैं एक नया बात बता रहा हूँ जो आपको कहीं पे फाइनली ये नया देखने को मिलेगा, ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है इंटरेस्ट? इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर मेंशन कर दे क्वेश्चन में, ठीक है? हाफ ईयरली, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, क्या करेंगे, ठीक है? अब देखो मतलब हाफ ईयरली और एनुअली का क्या मतलब होता है? देखो ये मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? ईयरली इसमें मेंशन किया हुआ था क्या? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें देखो ईयरली बोला है ना, ईयरली मत। हाँ बोलो सर। आप यहाँ एन का मतलब बताए थे नंबर ऑफ इयर्स सर, बट हम पढ़े थे वो होता है नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन दैट टाइम पीरियड। अरे एक ही चीज है दोनों। दोनों तो सेम ही बात है इंग्लिश सर, लेकिन 6 मंथ वाला केस में नहीं ना होगा नंबर ऑफ, तो 6 मंथ को ईयर में कर दो और क्या। सर नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन द टाइम पीरियड एन मतलब। हाँ तो एन को मैं बता रहा हूँ ना, अब एन उस समय चेंज होगा, एन चेंज होगा तो टाइम भी तो चेंज होगा ना, बोलो ना क्या। हाँ सर टाइम भी तो चेंज होगा, देख आ मैं बता रहा हूँ उसके, उसके लिए कंफ्यूज मत हो, ठीक है? तो अगर नंबर ऑफ इयर्स में मान ले कि 3 इयर्स लिया, ठीक है? आपको बोल दिया है कि हाफ ईयर ली है, तो नंबर ऑफ इयर्स में क्या करते हैं हम लोग, टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? अगर एनुअली हो तो टू टाइम्स हो जाता है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे कि व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंपाउंडेड क्या होगा, बोलो। व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सारे बच्चे देखोगे, ठीक है? तो मेरा जो फॉर्मूला था ए का क्या था, बोलो तो बच्चा लोग, क्या था ए का फॉर्मूला? ये टोटल अमाउंट, हाँ बोलो, पी इंटू पी प्लस सी आई सर, पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू दी पावर एन। देखो आर टू दी पावर हंड्रेड इंटू पावर एन टू दी पावर एन। अब देखो अब हम बात करेंगे, अब देखो अगर कंपाउंड हाफ ईयरली बोल दे, कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो क्या करोगे? रेट को आर, आर जो होगा रेट, ठीक है? रेट जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? रेट ऑफ आई, ठीक है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आर बाई टू हो जाएगा, 2%, समझा, आर बाई 2%, ठीक है, आर बाई 2%, समझा, ये खुद कर देना है, ठीक है आपको। और एंड टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका ये हो जाएगा, एन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन जो हो जाएगा ये नंबर ऑफ इयर्स है, क्या नंबर ऑफ इयर्स है, तो टू टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा बच्चा टाइम, ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एन, ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। तो अपना नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बोलो, a equals to p into 1 plus r by 200 होगा, बोलो, r by 200 नहीं होगा, नहीं समझ में आया, बोलो सर, आया समझ में, 2 into 100 हो रहा है, हाँ 2 into 100 मतलब 200 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, हाँ सर हुआ, चलो बताता हूं क्या होगा, जैसे कि देखो, अच्छा ऐसे होगा, यहां पे देखोगे, ठीक है, यहां पे बात करेंगे, तो रेट जो हुआ, तो यहां पे देखो, अब क्या करना है, जब हाफ ईयरली दे दिया रहे क्वेश्चंस में, हाफ ईयरली दे दिया रहे, तो पी वन प्लस क्या लिखेंगे बच्चा लोग, R by 2, R by क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, by 100 हो जाएगा, ठीक है, और n के जगह पे क्या हो जाएगा, 2n, n के जगह पे क्या हो जाएगा, 2n, तो यहाँ पे देखो, P 1 plus R by 200 हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका पावर क्या हो जाएगा, 2n, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, तो ये फॉर्मूला लिख ले, ये फॉर्मूला है, जब when interest compounded, compounded क्या, when interest compounded, बोलो, half yearly, लिख लो सारे बच्चे ये questions, ये point लिख लो आप लोग, आ गया बच्चा लोग, लिख लिया आप लोग, हाँ सर लिख लिए सर, रुक जाइए, आप लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, हाफ ईयरली के जगह पे क्या होगा बच्चा लोग, क्वार्टरली, When interest is compounded quarterly. Sir, rate R by 4 हो जाएगा. हाँ, बोलो क्या हो जाएगा? बोल. R by 4. हाँ, R by 4 हो जाएगा और time कितना हो जाएगा? 4n. हाँ, लिखो. चलो बच्चा लो, इसमें mention करो तो सभी. देखो यहाँ पे सभी बच्चे समझोगे, ये देखो ये सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपको समझना है,
सर आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं सर, वो जो रेट सर वो टाइमिंग इक्वल टू कितना है सर? When interest is compounded half year, ये half yearly देख लिए है ना, quarterly सर? हाँ बोलो सर। आप वो जो आप यहाँ में rate of I is equal to बाद पे वो जो time है वो कितना है सर? ये वाला time, ये two हाँ सर time ये है नहीं लिखा था, नहीं सर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ सर। क्वार्टरली का बात करेंगे बच्चा, तो बोलो तो क्वार्टरली में क्या होगा, बोल। क्वार्टरली में होगा बच्चा आर क्या होगा सर? आर रेट क्या सर? होगा 1/4। हाँ रेट जो होगा आपका आर, रेट जो होगा ये आर बाय फोर हो जाएगा, ठीक है। एंड टाइम, टाइम क्या हो जाएगा? फोर टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। टाइम्स क्या हो जाएगा? फोर एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ए मिलेगा टोटल अमाउंट पी इंटू, आप देखो वन प्लस, ये आपको मेंशन कर देगा क्वेश्चन में, ठीक है, आर बाय फोर। आप देखो R by 4, 100 लिखेंगे ना, और इसका पावर क्या हो जाएगा 4n। ये क्वार्टरली के लिए है बच्चा लोग, ठीक है, क्वार्टरली। तो फाइनली क्या मिला, A P 1 plus R by 400 और उसका पावर 4n मिला बच्चा, बच्चा मिला कि नहीं? चलो ये लिखिए, तो सारे बच्चे ये लिखो, सर लिख लियो। यस सर। नहीं सर बाकी। ठीक है, समझ में आया बच्चा लोग? यस सर आ गया। yes. आप देखो, अगर बच्चा ये समझ में आया, आप देखो ये भी बात आपको समझना है, बहुत आसानी है, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। देखो आपको अगर बोलेगा कि देखो फाइंड दी इंटरेस्ट ऑफ, सर आप थोड़ा सा आगे का पेज दिखा सकते हैं सर? अच्छा आगे का पेज ये वाला? हाँ सर, हाँ सर, दो मिनट। हाँ सर हो गया। देखो देखो, अगर ये क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ 8000 रुपीज, ठीक है, 8000 रुपीज, ठीक है, ये मैं बेसिक नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है ये आपके सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन बेसिक नॉलेज आ गया तो फाइनली ये आप देखो ये क्या हो रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ 8000 रुपीज, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट 3% फॉर वन ईयर, ठीक है, उसके बाद देखो 5% फॉर टू ईयर्स, ठीक है, एंड दे दिया 8% फॉर, ये तो विदाउट स्विंग फॉर्मूला से ना कैलकुलेट होगा, थर्ड ईयर, हाँ 8% फॉर थर्ड ईयर, देखो ठीक है, बोलो तो बच्चा यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बताओ तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो आप कोई फिक्स नहीं है रेट, क्या है मतलब वन ईयर के लिए लोगे
तो क्या होगा 3% लगाएगा, ठीक है। अगर टू फाइव इयर्स के लिए लोगे तो 5% लग, मतलब टू इयर्स के लिए क्या 5% लग जाएगा बच्चा, और एट इयर्स के लिए लोगे तो थर्ड ईयर, ये मतलब एट ईयर के मतलब ये थर्ड ईयर में कितना लगाएगा, थ्री इयर्स के लिए लोगे तो 8% रेट होगा, ठीक है बच्चा। मतलब रेंडमली वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है देखो, अमाउंट ए इक्वल्स टू क्या होता है, आप देखो पहले हम लोग क्या एट ये होता है पी, ये फॉर्मूला लिखो पी इंटू वन प्लस आर वन बाई हंड्रेड, ठीक है, उसके बाद वन प्लस आर टू बाई हंड्रेड, ठीक है, इंटू वन प्लस आर थ्री बाई हंड्रेड, ये फॉर्मूला है बच्चा लोग, ठीक है। अगर आपका क्या हो रेट अगर वेरी करे तो आपका ये फॉर्मूला है, देखो अमाउंट तो मेरा सेम है 8000 रुपीज का, क्या है ना अमाउंट यहाँ पे सेम है कि नहीं बच्चा लोग, बोलो ना। यस सर। तो कैसे निकाल, निकाल जल्दी निकाल इसका, देखो अगर सेम रेट रहता तो एन हो जाता था, लेकिन अब क्या है वन प्लस आर बाई हंड्रेड, वन प्लस आर टू बाई हंड्रेड, तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 8000 रुपीज, ठीक है, वन प्लस आर कितना है 3 बाई हंड्रेड, ठीक है, यहाँ पे वन प्लस आर कितना है 5 बाई हंड्रेड, और यहाँ पे वन प्लस आर कितना है थर्ड ईयर के लिए 8 बाई हंड्रेड, ठीक है। फाइनली क्या कर दो 8000, ठीक है, ये 100 3 बाई 100, उसके बाद 105 बाय 100, और उसके बाद 108 बाय 100, ठीक है। सर ये तो सक्सेसिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है ना। हाँ सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल, सक्सेसिव रेट मतलब अलग अलग इयर्स के लिए क्या है, अलग अलग इयर्स के लिए रेट क्या है अलग है, ठीक है। हाँ सर, सर हम दो ईयर का किया था सर, तीन का नहीं किया कभी। नहीं तीन का मान ले कि आ गया, ठीक है, कोई पूछ दिया, ठीक है। नहीं सर, ये हम लोग क्लास एट में किया था सर। ए दो का था, तीन का नहीं था। यस सर, तीन का था। कोई दिक्कत है बोलो। नहीं सर, कर सकेंगे सर। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये ठीक है बच्चा लोग। मतलब जितना भी देगा उतना इंटू होता जाएगा। हाँ हाँ हाँ। आप लोगों का क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक था? 45 तक। सर और 5 मिनट बाकी। क्या हुआ? सर और 5 मिनट। अब देखो यहाँ छोड़ ना, 5 मिनट बताओ। और 5 मिनट है। यहाँ तक समझ में आया? सर 1344.16 रुपीज इंटरेस्ट होगा। अच्छा देखो ये तो निकाल लिया अभी। देखो 1000 कितना? 1344.16, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? नहीं सर, सिंपल जैसे हम लोग विदाउट फॉर्मूला निकालते हैं ना वैसे निकाल रहे हैं। अच्छा विदाउट फॉर्मूला निकाले हो? हाँ सर। इसका विदाउट फॉर्मूला निकाले हो? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो फाइनली इतना आ रहा है क्या? आप इसका कैलकुलेशन करके देख लेना बच्चा लोग, ठीक है। हाँ देखो पहले क्या होगा, इसका कितना परसेंट, 33% से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे बच्चा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना ये क्वेश्चन? आप देखो अगर आपका यहाँ पे देखो रेट चेंज हो, तो रेट जब ही चेंज हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख ले। अगर थ्री इयर्स का दे दे, फोर इयर्स का दे दे, तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, ए वन प्लस आर फोर बाई हंड्रेड, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा लोग? नहीं सर। चलो तो जितना थ्योरी में बता दिया हूँ इतना कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान है, क्या बोलो, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है कि नहीं है? यस सर। यस सर। आप चलो
आप देखो हाफ ईयर, देखो फाइंड दी, लिखो फाइंड दी सी आई ऑफ ऑफ दे देता हूं मैं 10,000 rupees, 10,000 rupees एट द रेट ऑफ फॉर कितना फॉर टू इयर्स, ठीक है फॉर टू इयर्स, ठीक है एट द रेट ऑफ बच्चा 5% 4% ले ले 4% when interest is compounded, ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या हो गया बच्चा हो गया देखो इंटरेस्ट कंपाउंड ये क्या है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली ठीक है हाफ ईयरली के लिए क्या करोगे बोल 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 क्या करोगे हाफ ईयरली के लिए क्या करोगे सर इनटू 1/2 इंटू ये नंबर ये टाइम में ना इन वो क्या इंटू क्या इंटू 1/2 किस में रेट में ना बोलो बोलो कितना आया सर रेट में 4 को सर रेट में 4/2/100 और इयर्स में 2n हो जाएगा तो ये देखो ना 4/2 करोगे यहां 166.4 रुपीस आ रहा है हाँ देखो रेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 166.4 ये सारे बच्चों का आ रहा है क्या बोलो सर कैलकुलेशन कर रहे हैं हाँ रेट क्या होगा रेट इक्वल्स टू देखो 4% है आप देखो आप ईयरली बोल दिया तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2% आएगा बच्चा आप देखो आप टाइम क्या होगा 2 × 2 तो फाइनली क्या होगा 4 हो गया 4 ईयर होगा ना 4 ईयर आप देखो आप मुझे क्या करना है ए निकालोगे तो 1 में ये क्या होगा p into 1 plus r by 100 का पावर क्या बच्चा पावर क्या n ना तो आप देखो इसके लिए ये देखो p आप देखो रेट जो है ना ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है n वाली के लिए है ठीक है तो आप मुझे क्या करना है 1 + r के जगह पे कितना लिखना है 2/100 और n के जगह पे 4 देना है बच्चा और p कितना है प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,000 ओके और ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा बोलो तो अच्छा चलो 102/100 ठीक है 102/100 ठीक है 102/100 ठीक है और 102/100 बच्चा ठीक है तो ये देखो 10,000 कैंसिल आउट किससे होगा 10,000 तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो सर आंसर कितना आ रहा है सर आंसर आप बताओ ना कितना आ रहा है सर 824.3216 रुपीस यस सर 824 ही आ रहा है वो गलत है 166 824.3216 यस सर 216 ठीक है
ये बच्चा लोग, ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या करना तुम लोग, बुक खोलना, क्वेश्चन बनाना। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाउट हो व्हाट्सएप कर देना सर को। ठीक है, मुझे मेरा नाम मालूम है आप लोगों को? हाँ सर, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो फाइनली व्हाट्सएप कर सकते हो आप, जो भी दो क्वेश्चन में डाउट हो क्वेश्चन करो। हाँ बोलो मैक्सिमम का ये आ रहा है, मुझे याद नहीं है सर। आंसर 824 कितना है? ओके सर, मेरा भी 824.3216 आया उसके। हाँ सर, मतलब मैक्सिमम का ये आ रहा है तो यही आंसर होगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना बच्चा। ठीक है, तो समझ में आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बोलो। हाँ सर निकाल सकते हैं। विदाउट फॉर्मूला और विद, क्या है? क्या बोले सर? आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? आप ही ने बोला, वो दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो सर है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उनसे ले लेना आप। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू बच्चा लोग। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस करो। ठीक है, डाउट होने से बोलना है। ठीक है, ओके, और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ही करवाएंगे लास्ट क्लास। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का स्कूल में एक्सपेंशन चल रहा है। हाँ एक्सपेंशन सर, हम लोग का स्कूल में एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन, स्कूल में एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन दोनों हो गया। हम लोग का इंडिसेस चल रहा है सर, हम लोगों का एक्सपेंशन चल रहा है, इंडिसेस हो गया सर। हम लोगों का फैक्टराइजेशन कंप्लीट है और एक्सपेंशन चल रहा है। सर नेक्स्ट टॉपिक एक्सपेंशन करवा दीजिए। एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के बाद अगला टॉपिक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन किसका सर? वो सब नहीं लिखा, सिर्फ बुक का चैप्टर में सिर्फ फैक्टराइजेशन लिखा है। लोएटो का। हाँ एक बार सिलेबस आप लोगों का देखना पड़ेगा। आप लोग कौन सा बैच बैच का है, क्या है क्लास आप लोगों का? 9 आईसीएसई। आईसीएसई ना? हाँ सर, 9th ICSE। ठीक है, मैं देख लूंगा। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इंडिसेस और लॉगरिदम्स भी है। हाँ लॉग भी है तुम लोगों का? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, सीबीएसई में नहीं होता है सर। ओके मैं देख लूंगा आप लोगों का सिलेबस। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास था तो इंटरेक्ट में हुआ। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू। तो